तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं परभणी जंक्शन के विद्युतीकरण की अपडेट। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में ही बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आ सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हमें परभणी के पूर्णा साइड आउटर पर और यहाँ पर पोल्स का काम मैंने जितना पहले वीडियो में बताया था काम उतना ही हुआ है। आप अभी दोनों साइड से देख पा रहे होंगे, ये साइड पे भी काम जितना पहले के वीडियो में बताया था उतना ही हुआ है। इससे ज़्यादा काम अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर खाली पोल्स को सेट किया गया है कई कई जगहों पर। और अभी हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे परभणी रेलवे स्टेशन के पास, तो यहाँ इस साइड से अभी तक पोल्स का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। परभणी जंक्शन के जालना साइड आउटर पर देखे हम, तो यहाँ पर भी पोल्स का काम जितना हुआ था पिछली वीडियो में उतना ही यहाँ पर काम हुआ है। इसके आगे काम अभी तक बढ़ा नहीं है। तो मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि परभणी की वीडियो बताओ। तो यहाँ पर काम अभी तक जैसा का वैसा ही है। अभी तक काम कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। जितना काम पहले वीडियो में था उतना ही हुआ है। आप यहाँ से भी देख पा रहे होंगे कि ये साइड जितने पोल थे उतने ही पोल है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर पोल्स जो लगाए गए थे 1, 2, 3 तो वो सेट किए गए हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं पर भी पोल्स लगाए नहीं गए हैं प्लेटफॉर्म 1, 2 और 3 पर। और परभणी जंक्शन का पूर्णा साइड आउटर पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर फाउंडेशन का काम बाकी था, वो अभी फाउंडेशन का काम स्टार्ट हो गया है। तो ये फाउंडेशन का काम जैसे ही होगा मुझे लगता है कि पोल्स का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में ही बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।